हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रूपा नाबर, स्वागत है मेरे कोस्टल किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्ट्यू। चिकन स्ट्यू एक विदेशी रेसिपी है, लेकिन उसे मैं एक ट्विस्ट देने वाली हूँ और उसमें एक चाइनीज तड़का डालने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसे बनता है चिकन स्ट्यू। एक पैन ले चुकी हूँ मैं, उस पर गैस पे चढ़ाती हूँ। पैन में ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे हम खड़े मसाले, थोड़े लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और लंबे कटे हुए प्याज। प्याज हल्का सा गुलाबी हो गया है, उसमें डालेंगे हम चिकन जो साफ की गई है, उसे भी फ्राई करेंगे एक मिनट तक, जब तक वो हल्की सी सफ़ेद बन जाती है। ये एक टिप है कि जब वो अपने जूस छोड़ के पकने लगती है तो वो सफ़ेद बनने लगती है। अब उसमें हम लोग मसाले डालेंगे, नमक, धना पाउडर, जीरा पाउडर। इस स्ट्यू को एक देशी ट्विस्ट है, जो नॉर्मली धना जीरा पाउडर नहीं डाला जाता है स्ट्यू में, विदेशी सॉसेस डाले जाते हैं, लेकिन मैं इसको एक ट्विस्ट की तरह बना रही हूँ। इसमें जाएंगे टमाटर, कैप्सिकम, इसमें जाएगा मैदा, थोड़ा उसको गाढ़ा करने के लिए। मैदा डाला है गाढ़ा करने के लिए, और जो अभी ट्विस्ट है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं चिंग्स की सेजवान चटनी। इससे ये स्ट्यू बहुत चटपटा बनेगा। ये चटनी डालने के बाद अच्छी तरह से उसे भून लेना। और ये है हम लोग के पास चिकन स्टॉक, तो चिकन स्टॉक इस पे पकाने के लिए डालेंगे तो उसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे अभी ढक के 10 मिनट सिमर पे पकाएंगे। चिकन पक रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे। अब उसमें जाएगा नारियल का दूध। कोस्टल किचन है तो नारियल के दूध बगैर नहीं पकेगी मेरी चिकन। और स्ट्यू में नॉर्मली क्रीम जाता है, लेकिन ये नारियल का दूध उसको क्रीमीनेस देगा। पेपर पाउडर या काली मिर्च की पाउडर, और ये स्लिट किए हुए हरी मिर्च है सिर्फ फ्लेवर के लिए, उसको मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट ही पकाइएगा, ज़्यादा पकाइएगा मत, क्योंकि नारियल का दूध फट सकता है। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी हम उसको सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, ब्रेड या राइस के साथ खा सकते हो। आपको अगर पसंद आई है तो लाइक बटन हिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू इंडिया फूड नेटवर्क।